उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है और इसी के तहत आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मूड जानेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। इस बैठक में प्रियंका के अलावा दीपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बैठक में उम्मीदवारों के टिकट पर कोई फैसला हो सकता है। इस बैठक में प्रियंका दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए प्रभावी और कद्दावर नेताओं के भी टिकट देने पर फैसला ले सकती है। माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा नामों पर आज फैसला संभव है। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में पार्टियां समीकरण बैठा रही हैं, उसको लेकर हर तरफ अपडेट्स ही अपडेट्स हैं। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जहां पर 100 से ज्यादा नामों पर मोहर लग सकती है। ये खबर हमारे पास पहुंची है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के लिहाज से है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो सूखा दशकों से उत्तर प्रदेश में उसका है उसे खत्म किया जाए। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शुभम लखनऊ से, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, बहुत अहम हो जाता है कांग्रेस को कि उसका सूखा खत्म किया जाए और इसलिए कांग्रेस अब पुरजोर कोशिश कर रही है। टिकटों पर बड़ा फैसला हो सकता है, क्या जानकारी अंदर खाने? शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है और प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर भी नजर बनाए हुए हैं जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे विजय प्राप्त होगी। शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या खबर है आपके पास, बताइए। जी जी जी, आज प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में इन तमाम पदाधिकारियों स्क्रीनिंग कमेटी की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें खासतौर से उसके जो चेयरमैन है वो मौजूद रहेंगे। कल जो पूरी मीटिंग हुई है, कल बड़े पदाधिकारियों के कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ बैठक में लगभग 100 नामों पर अहम चर्चा हुई है और उन नामों पर लगभग आज मुहर लग जाएगी। और खास तौर से इसके बाद जो यात्राएं होनी है उसको लेकर के प्रियंका गांधी पूरा रोड मैप तैयार करेंगी, क्योंकि लगातार जो वॉर रूम और जो जमीन पर लगातार जो चीज़ों को पहुँचाने का काम, कैसे किन चीजों को ले जाना है, किन मुद्दों के साथ प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी जमीन पर जाएगी, उसको लेकर के लगातार मंथन कर रही है। ऐसे में 100 नामों पर लगभग आज चर्चा और मुहर लगाएंगी और बताया जा रहा है कि इन 100 नामों में जो महत्वपूर्ण उन लोगों को तरजीह दी जा रही है जो क्षेत्र में प्रभावी तौर पर अपने साथ ज्यादा भीड़ जुटा रहे हों, ज्यादा संघर्ष कर रहे हों, और उन नामों को तरजीह देने का प्रयास इस पूरी कमेटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि संघर्ष वाले लोगों को कांग्रेस से सीधा जोड़ा जा सके और उसका लाभ सीधा 2022 विधानसभा चुनाव में मिल पाए। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें प्रियंका गांधी खुद शिरकत करेंगी और इस पूरे मामले पर खुद नजर रखे हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरह से कोई चूक कांग्रेस के एजेंडे में ना होने पाए। इसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी होना है उसमें भी विधानसभा वार क्षेत्रों के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको तरजीह देने का प्रयास। कांग्रेस इस पर फोकस कर रही है कि स्थानीय मुद्दे क्या है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस की बैठकें भी चलती आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका शुभम तमाम बातचीत के लिए। प्रियंका गांधी के यूपी में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद ना तो सूबे में कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है और ना ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश पूरी हो पा रही है। इतना ही नहीं, कई बड़े नेता कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया 2022 के चुनाव में कैसे पार होगी, यह बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और अब कांग्रेस ने वॉर रूम और टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में फिर से नई जान फूंकने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हर संभव कोशिश में जुटी हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विपक्षी दल के नेता के तौर पर प्रियंका गांधी हर तरीका अपना रही हैं।
प्रियंका के सक्रिय होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश तो है, लेकिन चुनावी मिशन में अब भी कांग्रेस सभी दलों से पीछे चल रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने रणनीति में बदलाव किया है। नई रणनीति के तहत कांग्रेस हर विधानसभा सीट पर अपना वॉर रूम खोलेगी। इसके साथ ही अक्टूबर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ साथ मंडल स्तरीय रैलियां करेगी। इसको लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को पार्टी के लिहाज से सबसे अधिक संभावना वाली 100 विधानसभा सीटों पर बनाए गए वॉर रूम की समीक्षा भी की। कांग्रेस जहां जहां लड़ेगी, जिस भी विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा वहां पर वॉर रूम की स्थापना होगी, वॉर रूम बनेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है जनता से मिलने का। इसलिए जनता के माध्यम से जल्दी जल्दी चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए चुनाव में जहां कांग्रेस का प्रत्याशी जिस भी विधानसभा में होगा और लगभग लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस लड़ेगी और उन विधानसभाओं में वॉर रूम बनेगा। चुनावी मिशन पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी देखेंगी। प्रियंका की एक महीने के भीतर ये दूसरी यात्रा है और इसके 5 दिनों तक चलने की उम्मीद है। उनकी मौजूदगी से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। प्रियंका लखनऊ में लगातार 2 दिनों से मैराथन बैठक कर रही हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को जवाब देने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये टास्क फोर्स जिलों में हो रहे प्रशिक्षण शिविरों के दौरान श्रमिकों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करेगी और बीजेपी और आरएसएस की गलत और राष्ट्र विरोधी नीतियों के बारे में बताएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस ने 100 विधानसभा सीटों पर वॉर रूम बनाने का फैसला किया है। ये वो सीटें हैं जहां पर यूपी कांग्रेस को लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से जीत सकती है। इन वॉर रूम के जरिए यूपी कांग्रेस उस विधानसभा सीट का हर हाल आलाकमान तक पहुंचाएगा ताकि इस सीट को जीतने में खासी मदद मिल सके। कांग्रेस वाराणसी में एक बड़ी रैली की तैयारी में जुटी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सूरज पूरब से उगता है और पार्टी की रणनीति है कि चुनावी मिशन का आगाज भी प्रदेश के पूर्वी शहर वाराणसी से किया जाए। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर विपक्ष जरूर परेशान है और वो कांग्रेस पर निशाना साधने से चूक नहीं रहा। देखिए, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से हाशिए पे हैं और ये कहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, उनकी कथनी और करनी और उनकी मंशा, उनकी स्ट्रेटजी से पता चल जा रहा है। किसी भी राजनैतिक दल को अपने चुनाव की तैयारियां करने का, राजनैतिक रणनीति बनाने का उसका अपना हक है, उसके अपने अधिकार हैं। कांग्रेस जिस तरह की भी रणनीति बनाई, लेकिन कांग्रेस का सभी को पता है, आम जन को पता है, पत्रकार को पता है, बुद्धिजीवियों को पता है और सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस की किसी रणनीति का उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लोगों की आशाएं और लोगों की उम्मीद की अगर कोई विचारधारा है तो वो समाजवादी पार्टी है और उसके नायक माननीय अखिलेश यादव हैं। प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस का मुकाबला सत्ता में बैठी बीजेपी से ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उसे सपा और बसपा से भी मुकाबला करना है, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने समर्थकों के इतने काम तो किए ही हैं कि वो अब बूथ स्तर तक अपनी पार्टी के लिए खुलकर डटे नजर आते हैं। हालांकि 3 दशक पहले तक यूपी में कांग्रेस की भी उतनी ही मजबूत स्थिति हुआ करती थी जैसे आज बीजेपी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।